सैमसंग ने M20 को अपग्रेड करके निकाल दिया सैमसंग का M30। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फोन का क्या सीन है। तो यार दिस हे गाइस, दिस इज शिवम मल्होत्रा, 100% ओरिजिनल नॉट कॉपीड। और इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अगर लुक्स की बात करें यार, वही सेम लुक्स हैं जो हमें M10 या M20 में देखने को मिलते हैं। और अगर कलर की बात करें, कलर भी वेरिएंट भी सेम है, ब्लैक और ब्लू। सैमसंग ने नाम दिया इसको ग्रेडेशन ब्लैक और ग्रेडेशन ब्लू, ग्रेडेशन आगे जोड़ दिया, क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, बोल गया थोड़ा। तो यार हाँ, सेम लुक्स के मामले तो बिल्कुल सेम है M20 की यार, M10 की तरह। तो अगर बैटरी की बात करें यार, जो इसमें हमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो अच्छी बात है, जो हमें M20 में भी मिलती है। तो जो हमें चार्जर इसके साथ प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा है 15W का, 15W प्लस जो हमारी USB केबल है वो एक टाइप सी है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें यार, तो जो हमें प्रोसेसर सैमसंग के M10 या M20 में मिलता है, जो है हमारा एक्जिनॉस का 7904, वही प्रोसेसर हमें सैमसंग के M30 में भी मिलता है। यार अगर आप पूछोगे कि एक्जिनॉस का 7904 कैसा है, तो यार सेम एज 636 या फिर थोड़ा सा बिल्कुल कम। तो यार ये हमें दो वेरिएंट में आता है, एक 4GB के वेरिएंट में, एक 6GB के वेरिएंट में। जो 4GB का वेरिएंट है उसमें हमारे मिलता है 64GB स्टोरेज, और जो 6GB रैम है उसमें हमारी मिलती है स्टोरेज 128GB, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 512GB तक, 512GB मेमोरी कार्ड लगा के, और इसमें जो आप लगाना चाहते हो वो आप खुद ही जाने। अगर कैमरा सेक्शन की बात करें यार, तो कैमरा इसमें मिलते हैं ट्रिपल कैमरा, जो एक है हमारा टेलीफोटो, एक हमारा वाइड एंगल, एक हमारे जो मेन शूटर है वो हमारा है 13 MP का, जिसका अपर्चर हमें दिया था 1.9। तो यार काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका। उसके बाद सेल्फी कैमरा की बात करें, जो है हमारा 16 MP का सेल्फी कैमरा, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इस वीडियो का लाइक ज़रूर करें यार। उससे भी खास चीज़ हमें इसमें मिलती है, वो है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यार इसकी डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले तो बोलते हैं इसकी खासियत है इस फोन की। तो यार उसमें, उसके बाद डिस्प्ले तो होगी ब्राइट, तो जो इसका स्क्रीन और बॉडी रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो इसमें नॉच में मिलती है, वो सैमसंग वालों ने बोलते हैं इसमें इन्फिनिटी वी, बाकी लोग मतलब बाकी कंपनीज वगैरह बोलते हैं इसमें, वो बोलते हैं वाटर नॉच डिस्प्ले। तो यार इन्फिनिटी वी बोलो, वाटर नॉच बोलो, सेम है। इसके और फीचर्स की बात करें यार, तो इसमें हमें ड्यूअल 4G वोल्टी मिलता है। साथ में यार इन्होंने जब सैमसंग ने लॉन्च इवेंट किया था, तो इसमें उन्होंने बोला था कि ये इंडिया में बनाया हुआ है, इंडिया के लोगों ने बनाया हुआ है, इंडिया के लिए बनाया हुआ है। तो यार काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यार, जो सबसे मेन चीज़ होती है उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट हो, क्योंकि यार प्राइस इन्होंने जो 4GB के वेरिएंट का रखा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है 15,000 रुपये, मतलब स्लाइटली ज़्यादा यार, 15,000 रुपये 4GB के वेरिएंट के लिए। उसके बाद जो 6GB का इसका वेरिएंट है, उसका प्राइस रखा हुआ है इन्होंने हमारा 18,000 रुपये, वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्लाइटली ज़्यादा, ठीक है ना। नो डाउट इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, यूएसबी टाइप सी मिलती है, लेकिन यार तब भी थोड़ा तो होना चाहिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर जैसे हमारा रेडमी नोट 7 आ रहा है, उसमें तो मतलब उनका रेट जो भी होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। उसमें हमारा पता भी चल गया 41 MP कैमरा, साथ में बड़ी चीज़ें पता चल गई, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं यार, आपको वीडियो आपका क्या मानना है सैमसंग के M30 के बारे में। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।